हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम चना दाल रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्द बन जाता है। तो आधी कटोरी हम चना दाल लिए हैं। इसको लगभग हम 2-3 घंटा भिगाए थे, अच्छी तरीके से धुल के रख लिए हैं। इसको मिक्सी जार में हम पीस देंगे। इस तरीके से मिक्सी जार में रख के हल्का सा पानी डाल के हम इसको पीस लेते हैं। ये देखिए हम पीस लिए हैं, तो इसको हम बाउल में रखेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच दरबरी कुटी हुई लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, इसको अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे। देखिए ये हमको मीडियम ही बनाना है, ज़्यादा पतला ना तो ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। ये इस तरीके से पेस्ट तैयार हो गया है, इसको रख देते हैं। इधर हम कुछ सब्जियां ले लेते हैं। तो ये हम लिए हैं पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, हरी धनिया, बारीक कटा हुआ गाजर। ये पैन हमारा गरम हो रहा है, एक चम्मच हम इसमें घी डाल रहे हैं देसी। हल्का सा इसमें हम जीरा ऐड कर दे रहे हैं। जीरा ब्राउन हो गया है हमारा। अब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज हल्का सा। इसको हमको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसमें हम हल्का सा हरा मिर्च डाल दिए हैं, ज़्यादा तीखा नहीं बनाएंगे, हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। इसको बराबर हम चलाएंगे। स्वाद अनुसार हम नमक ऐड कर रहे हैं इसमें। देखिए इसको हम चलाएंगे इस तरीके से, हमको ज़्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए पक गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच टमाटो सॉस और हरी धनिया। अब इसको हम प्लेट में रख लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए पेस्ट हमारा तैयार है। इसमें हम बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दे रहे हैं, इसको अच्छी तरीके से मिला ले रहे हैं। ये हमारा सेट हो गया है। इधर हम पैन रख दिए हैं, गरम हो रहा है। इसमें 2-3 चम्मच हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के हम ब्रश से अच्छी तरीके से बराबर चला दिए हैं। इस तरीके से चम्मच से हम बैटर इसमें डालेंगे और ये देखिए बराबर इसको फैलाएँगे। हम बराबर से इसको कर दे रहे हैं। इसी तरीके से हम इसमें 2-3 करके डालेंगे, जितना आ सकेगा। इस तरीके से हम बराबर इसमें कर दे रहे हैं ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। अब इसमें जो सब्जी है उसको हम डालेंगे इस तरीके से चम्मच से। ये देखिए इस तरीके से हम सब्जी डाल दिए हैं। इसमें लो गैस पे हमको पकाना है, तो इस तरीके से हम बराबर सब्जी सब पे रख दे रहे हैं। इसके ऊपर हम जो है हल्का सा पेस्ट लगा देंगे इस तरीके से, ये ढक जाए ताकि हम पलटें तो सब्जियां बाहर ना निकले। तो हम सभी पे इस तरीके से पेस्ट लगा दे रहे हैं, सब्जी अंदर हो जाए इसमें। ये देखिए इसको हमको लो गैस पे अच्छी तरीके से पकाना है। ये देखिए इस तरीके से पक गया है, इसको हम पलट दे रहे हैं दूसरे तरीके से पक जाए। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्द बन जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को